नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गुप्ता डॉट कॉम किचन में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्यासी फ़िश करी की रेसिपी। दोस्तों, फ़िश करी तो आपने बहुत बार बनाए होंगे, एक बार मेरे इस तरीके से बना के देखिए, सबको बहुत पसंद आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। तो फ़िश करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम फ़िश लिया है, प्यासी फ़िश लिया है मैंने, और इसे अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। तो सबसे पहले हम फिश को मैरिनेट कर लेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और एक चम्मच हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन ज़्यादा मत डालिएगा, एक चम्मच ही डालेंगे। अब इन सारे मसालों को हम मछली में अच्छे से मिला लेंगे, मछली के दोनों साइड मसालों को मिलाएंगे, और आधा हम इसमें नींबू का रस निचोड़ देंगे, और इसको भी हम मिला लेंगे। अभी इसको रख देते हैं साइड में ताकि ये पूरी तरह से मैरिनेट हो जाए, और इसके लिए हम मसाला बना लेते हैं। इधर एक पैन को मैंने रख दिया है गरम होने के लिए। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जीरा, थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा काली मिर्च है, इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मसालों में से हल्की हल्की खुशबू आने लग गई है, और तब हम इसे निकाल लेते हैं किसी और बर्तन में, पैन में ही नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो मसाले जो हैं पैन के हीट से ही जल जाएंगे। उसी पैन में हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच तेल, और तेल को गर्म हो जाने देंगे। तेल के गर्म हो जाने के बाद में इसमें हम डाल देंगे फिश को फ्राई होने के लिए। फिश की एक साइड को हम फ्राई हो जाने देंगे। जब तक फिश फ्राई हो रहा है तब तक हम एक ग्रेवी के लिए मसाला बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है, 2 हरी मिर्च, 1 गांठ लहसुन का है, और आधा इंच के करीब अदरक का टुकड़ा ले लिया है। अब इन सबको हम थोड़ा सा पानी डाल के एक मिक्सी जार में पीस लेंगे, और जो हमने मसाले भून के रखे हैं वो भी ठंडा हो चुका है, तो इसका भी हम एक फाइन पाउडर बना के तैयार करेंगे। मछली एक साइड से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसको पलट लेंगे। दूसरी साइड से भी इसको हम फ्राई कर लेंगे। मछली भूनकर तैयार है, मसाले भी पीस चुके हैं, तो चलिए अब चलते हैं हम इसको ग्रेवी बनाने की तरफ। कढ़ाई को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, तेल डाल देंगे, वही तेल है जो हमने इसमें फिश को फ्राई किया है उसी को हम डालेंगे। अगर आपको लगे कि तेल कम है तो थोड़ा सा तेल आप और डाल लीजिए। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसमें हम डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते, सूखा कड़ी पत्ता लिया है मैंने, अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता है तो आप वो डाल लीजिए। थोड़ी देर पका लेंगे इसको। कड़ी पत्ते का फ्लेवर तेल में एकदम अच्छे से आ गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे प्याज का जो पेस्ट बना के हमने रखा है, प्याज और लहसुन हरी मिर्च का। अब हम इसको थोड़ी देर भून लेंगे। थोड़ी देर बाद में इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच डाल दीजिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हमने हरी मिर्च पीसा ही हुआ है, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और जो हमने जीरा और काली मिर्च का पाउडर बना कर रखा है उसको डाल देंगे, और एक मीडियम साइज के टमाटर को मैंने पीस लिया है, मतलब कि इसकी प्यूरी बना ली है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक,
अब इन सारे मसालों को हम भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला का पाउडर और इसको भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर ही भूनेंगे। और इसमें हम डाल देंगे पानी। सारे मसाले भून जाने के बाद में पानी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डाल लीजिएगा कि आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। और इसको भी हम मिला लेंगे पानी और मसालों को, और इसे कवर करके पकाएंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ग्रेवी जो है अच्छे से उबल रही है, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। और इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और साथ ही साथ डाल देंगे फ्राई की हुई मछलियों को, और 2 हरी मिर्च को मैंने बीच से कट लगा दिया है उसको भी हम डाल देंगे, और वापस से कवर करके पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि फ़िश जो है अच्छे से पक जाए। और उसके बाद में मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। तो लीजिए दोस्तों, प्यासी फिश करी जो है बनकर तैयार हो गई है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए उबले हुए चावल के साथ। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।